मैंने इस बार फुल एंड फाइनल डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको अपने साथ अपने कार लेके जाऊंगी। चल चल चल, तू आराम से चल यहाँ से। सोना, खुद हर हाइनेस मिसेस मधुरिमा ने इनवाइट किया है और सबके हस्बैंड्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप सबके अप्रेजल लेटर्स ये रहे मेरे पास। मैम, आपको तो डबल प्रमोशन मिली होगी ना? मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिला है। प्लीज टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमारी मैरिज को बचाने के लिए टर्मिनेटेड। थैंक यू भाभी। मम्मी जी, आज सोना का चेकअप डेट है। डॉक्टर शरण की क्लिनिक से अभी रिमाइंडर कॉल आया था। आप प्लीज अमृत आंटी से बात कीजिए ना कि वो उसको क्लिनिक ले जाए या फिर वो उसको यहाँ छोड़ जाए। मैं ले जाऊंगी उसको। अब जाने भी तो तान्या, हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उनका मन होगा तो वो लेकर जाएंगी, नहीं तो नहीं। और वैसे भी सोना कोई बच्ची नहीं है, उसे सब कुछ पता है। जतिन भैया, आप बात कीजिए ना, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं काटेगी। भाभी, मुझसे ये सब नहीं होगा और मुझे ना आप इन झमेलों से दूर रखो प्लीज। झमेलों में मतलब? तू भूल गया है कि वो तेरी बीवी है, वो प्रेग्नेंट है। इस वक्त उसका चेकअप ना मस्ट है। भाई, सोना का मायके जाना उसका पर्सनल फैसला है। शी इज एन अडल्ट, वो जानती है वो क्या कर रही है। और वैसे भी अगर मैं इस पछड़े में पड़ूंगा तो उसकी माँ बेवजह चार बात मुझे सुना देगी। हो सकता है उसके कान भर दे मेरे खिलाफ। मैं इस नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता हूँ, सिंपल। चलता हूँ। जतिन, ये जो तेरा एटीट्यूड है ना, इसे भगोड़ा कहते हैं। और इस वक्त जो तानिया के साथ हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा अनफेयर है। जतिन भैया, देखो बेटा, हम आज जिस सिचुएशन में है ना, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बच्चा सोना के पेट में पल रहा है, इसलिए हमें उसके और उसकी माँ के मूड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जबरदस्ती करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, खामखा रिश्तों में दरार आ जाएगी। सब्र करो बेटा, सोना वही करेगी जो तुम उसे कहोगे, जो तुम उसे समझाओगे। लेकिन मम्मी जी, चेकअप डेट आज है। अगर आज का डेट निकल गया तो 15 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ ना तो पूरा का पूरा साइकिल ब्रेक हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा, अब क्या करें? जरूरत हमारी है तो हमें ही उनके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। और वैसे भी ये उधार की साझेदारी है, इसमें दर्द भरे सूद तो चुकाने ही पड़ेंगे। और ये बात तुम जितनी जल्दी अपने दिमाग में डाल लो ना, उतना अच्छा रहेगा बेटा। तान्या, बैठो। देखो तान्या, मम्मी जी जो कह रही हैं वो भी सही है। हम सब अमृत आंटी के नेचर से अच्छे से वाकिफ हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम प्लीज रिलैक्स करो। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सोना एक आध दो दिन में खुद ही घर आ जाए। चलो अब स्माइल करो। स्माइल करो ना बाबा, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। स्माइल, आंसू, स्माइल, थोड़ा सा और स्माइल, दैट्स लाइक इट। मैम, कैन वी कम इन? मैम, हमको पता लगा है कि आपके बदले केविन सर को प्रमोशन मिला है। हम कंपनी के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करेंगे। यस मैम, ये सरासर गलत है मैम। आपने कितनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए, और मैम हमें लगता है आपको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम सब आपके साथ है। यस मैम, हम सब लोग अपने रेजिग्नेशन दे देंगे। यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर इट। आई नो आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से इमोशनल हो रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट। व्हाट? हर कंपनी की कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उन लोग
प्रमोशन दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा डिसीजन लिया होगा ना. एंड प्लीज आई एम टोटली फाइन विद इट. मैम हम सब जानते हैं कि आप ये प्रमोशन कितना डिजर्व करती है. नहीं मैम हम सब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे. यस मैम. ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम का नाम खराब होगा. प्लीज अंडरस्टैंड. गेट बैक टू वर्क. गेट बैक टू वर्क. मैम नाउ व्हाट किंजल. मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. एक्चुअली मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा. व्हाट तू कहवा सु मांगे छे. तुम्हें चुप केम छो. आई मीन ये कैसी कमली पॉलिसीज है मैम. हम सबको प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं मिला. और जबकि हम सब जानते कि आप सबसे ज्यादा डिजर्व करती है प्रमोशन. और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रही. आप चुप क्यों है. मुझे तो लगा था कि आप कोई एक्शन जरूर लेंगी. हेलो मैडम. हूँ क्या सड़ा हुआ शक्ल बना के रखा हुआ है. क्या प्रॉब्लम क्या है. अरे कुछ नहीं. चल सुना अपना स्पीच सुना. एक सेकंड सुना सुना बोल. फोन पे गुस्सा क्यों उतार रही है. कम ऑन बता मुझे प्रॉब्लम क्या है. अब मैं क्या बोलूं माया. चीनू एडल्ट नॉवेल लिख रहा है. मैंने लाख बार मना किया. आई एम वेरी सरप्राइज्ड. वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है. घर का पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो गया है और मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर सुनता ही नहीं है. कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन किया है. अरे कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है तो कैंसिल कर दो ना. लेकिन नहीं जिद पकड़ के बैठा है. अब तो बोल मैं क्या करूं. एक मिनट एडल्ट नॉवेल ही तो लिख रहा है तो. नहीं नहीं आई एम सॉरी. उसने आज तक तेरी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया. तो तू क्यों इतना ऑफेंड हो रही है उसके इस नॉवल के बात को लेकर. क्योंकि माया उसके और मेरे काम के बीच ना जमीन आसमान का फर्क है. कम ऑन आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू बी रूड बट ऐसे नॉवेलिस्ट की ना सोसाइटी में कोई रेपुटेशन नहीं होते. और कॉलेज के दिनों में हम ऐसे नॉवेलिस्ट को पता है क्या कहते थे. क्या. चीपस्टर्स. अक्कू यार अगर तू लोगों की सुनने लगेगी ना तो तुझे हर नॉन सेलिब्रिटी चीपस्टर लगेगा. अगर मैं सच कहूं तो तू इस टॉपिक पे ना ओवर रिएक्ट कर रही है. एक मिनट चैतन्य किसके लिए कर रहा है ये सब. तुम लोगों के लिए. एंड थिंक अबाउट इट. अगर उसकी ये नॉवल हिट हो गई तो तुम्हारे घर के बाहर पब्लिशर्स की लाइनें लग जाएंगी. लाइनें. कम ऑन अक्कू प्लीज गिव हिम वन चांस. इट्स नॉट फेयर. I know, Maya, कि ये सब वो हमारे लिए कर रहा है पर उसे ध्यान रखना चाहिए ना. अनिकेत क्या सीखेगा. शुरू लास्ट नाइट अनिकेत ने उसका वो डर्टी पिक्चर वाला कवर पेज देख लिया. इमेजिन. हाँ तो क्या हुआ. बच्चा है देख लिया तो बड़ा होने से पहले सब भूल जाएगा. अरे तो क्या. बच्चे आजकल हमसे ज्यादा स्मार्ट है. फोन पे क्या हो रहा है सब जानते. इंटरनेट के जमाने में तो बच्चे से क्या क्या छुपाएगी. अच्छा चल मेरा हाथ पकड़. चल ओके. कम ऑन टेक अ डीप ब्रेथ. अक्कू दुनिया की सोच से लड़ना बंद कर और अपनी सोच से लड़. फिर तुझे ये छोटी सी बात ना प्रॉब्लम नहीं लगेगी. मैम आपने हम लोगों को भी मना कर दिया अथॉरिटी से बात करने के लिए. वन सेकेंड मानो फोन छे. जय श्री कृष्णा माँ. जय श्री कृष्ण बेटा. और पापा कैसे हैं. अच्छा छुट्टी कैसी चल रही है आप लोगों की. सब ठीक है और मैं और तेरे पापा एकदम मजे में है. ओ तुझे बहुत याद कर रहे हो. तू अगर यहाँ पर होती ना तो बहुत मजा आता. मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ माँ. अच्छा जगह कैसी लग रही है आप लोगों को. अरे जगह तो एकदम फर्स्ट क्लास है. चारों तरफ हरियाली हरियाली है. मैं क्या कह रही थी कि
कि वो शोधन के घर से फिर एक बार फोन आया था। शोधन, तुझे दूसरी बार मिलना चाहता है। माँ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे ठीक है बाबा, तू उसको बाद में मिल लेना, कोई जल्दी नहीं है। ओके ठीक है माँ, अब मैं फोन रखूँ? रखो। हाँ, कोई बात नहीं। मैं क्या पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है। अच्छा अब मैं फोन रखूँ? नहीं मतलब वो तुझे प्रमोशन मिलने वाला था, वो मिला कि नहीं? अरे नहीं मिला तो क्या हुआ उसमें है, वैसे भी इस उम्र में तू जो कुछ भी कर रही है वो ही बहुत है, हैं? माँ उसमें कुछ वक्त है। अच्छा अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं रखूँ फोन? मैं आपको शाम में कॉल करूंगी। ओके हाँ हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, तेरा ख्याल रखना हो बेटा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? शोधन से मिलने से मना कर दिया ना उसने, मैंने खबर आती। मैं जानता था ये लड़की ऐसा ही करेगी। नहीं, इस बार हमारी लड़की ऐसा नहीं कर रही है। जानवी के पापा, कुछ गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने के बाद हमें एक बार दिल्ली होकर आना चाहिए। यार तू हर बात को ना इतनी नेगेटिवली मत लिया कर। एक मिनट, अच्छा है मैं तेरी लाइफ में हूँ काउंसलिंग के लिए, वरना तो। ओह या ऑफ कोर्स, वो क्या कहते हैं, भाग्य धन्य भाग्य हमारे कि समथिंग समथिंग कि आप यहाँ पधारे। यस करेक्ट मैडम। वो जो बाहर वाला शीशा है मैंने लगा दिया, जो नीचे का लकड़ा टूटा है उसके लिए कुछ सामान मंगाना पड़ेगा, तो कल तक वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है अक्कू। तूने गुस्से में अपना ऑफिस तोड़ दिया? हट पागल, कुछ भी नहीं, पर सीरियसली बता ना प्रॉब्लम क्या है। बताया था ना वो स्टिंग ऑपरेशन। ओ हाँ, वो क्या हुआ उसका? उन लोगों ने ऑफिस पर अटैक किया, धमकी वाली लेटर भी छोड़ी कि वो वीडियो डिलीट कर दो, ऑन एयर नहीं होना चाहिए वरना हम तुम्हें दुनिया से डिलीट कर देंगे। व्हाट काबूस, आपको इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें से किसी को भी बताया नहीं कुछ? अरे यार इसमें बताने वाली कौन सी चीज है, देख महीने में ऐसे एक दो धमकी ना मुझे मिली जाती है। I'm used to chill. एक मिनट, चैतन्य को बताया कि नहीं? ऑफ कोर्स उसे तो बताती हूँ, उसे पता है। यही डिफरेंस है तेरे चैतन्य और मेरे अविनाश के बीच में। यही चीज अगर मेरे साथ हुई होती ना अभी, तो मेरे माया सलोन पर शटर डाउन हो चुका होता और मैं घर पे बैठ चुकी होती। लेकिन आपको सीरियसली यार, तो प्लीज इस चीज को कैजुअली मत ले यार। कैजुअली? बेबी अब ये बात ना मेरी फीमेल ईगो पे आ गई है। तुझे पता है ना अपनी फीमेल ईगो, छोड़ने वाली नहीं हूँ। प्रॉब्लम बस ये है कि कोई भी न्यूज चैनल ये वीडियो ऑन एयर करने को रेडी नहीं है। बस कुछ भी करके ना वो वीडियो जनता तक पहुंच जाए। अक्कू आइडिया, व्हाई डोंट यू टॉक टू मिसेस राठौर, वो जरूर कुछ कर पाएगी। श्रेया हाँ, अब प्लीज इसमें अपनी फीमेल ईगो को मत लाना। अरे नहीं यार ऐसे कैसे, मैं बात करती हूँ श्रेया से, एक मिनट। हेलो ब्यूटी क्वीन। हाय श्रेया। हाय। ओ हाय श्रेया, एक बात थी। हाँ बोला बोला। वो जो आपको का जो स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो है ना, वो कोई भी चैनल टीवी पर टेलीकास्ट करने को तैयार नहीं हो रहा यार। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर मिसेस राठौड़ कुछ कर पाए इस मामले में, यू नो लाइक पॉलिटिकल जैक अगर कहीं लग जाए तो कुछ हो सकता है, यू अंडरस्टैंड ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो तो अभी आउट ऑफ टाउन है। ओह ओके। अरे आप एक काम क्यों नहीं करते? आई मीन मेरे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। क्या? वीडियो ऑनलाइन डाल दो। अरे आजकल तो चीजें दो मिनट में वायरल हो जाती है। अब मुझे देख लो, मैं घर पे बैठ के क्या करती रहती हूँ।
पूरा दिन यही सब वीडियोस देखती रहती हूँ. कभी ये बॉलीवुड गॉसिप्स, न्यूज स्टोरीज, जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है. और मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जो ये ऑनलाइन वीडियोस देखते रहते हैं, फिर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एंटर आ वीडियो वायरल हो जाता है. और आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है. तो अरे क्वींस, शायद अधिराज जी आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय. ओके बाय. थैंक यू सो मच. टेक केयर. इंटरनेट हाँ, नॉट बैड. मैं ना एक बार पूरब के साथ बात कर लेती हूँ. वो जो भी है मेरा सोशल अकाउंट्स वो ही हैंडल करता है. ही इज सो गुड विद इंटरनेट. बॉस ये पॉलिटिकल क्वीन है यार, सच्ची में. अगर इसका ये आइडिया वर्क कर गया ना तो ये हम सब क्वीन से कम नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. गलती से कभी कभी उसका ट्यूबलाइट जल जाती है. ओए, मेरा ट्यूबलाइट जल गया. मेरी स्पीच. यस. हाँ, अब सीरियसली ये स्पीच सुनकर ना जलजला मच जाना चाहिए. आर यू सीरियस? हाँ. चल चल सुना. हाय अधि, कैसे हैं आप? तो ठीक है, मगर आज आप काफी बदली बदली लग रही हैं. मतलब आज आप काफी सुंदर लग रहे हैं इस नए अवतार में. आप भी ना. तो आपने हमें मिस किया? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स किया. हम कर लेंगे. आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं हम आपकी बीवी हैं. अच्छा, वन सेकंड. सनाया, कहाँ हैं आप? हम कितनी देर से आपका फोन ट्राई कर रहे थे. आप ठीक से घर पहुंच गई हैं ना? हाँ हाँ, आई लव्ड योर कंपनी. आप अपना ख्याल रखिएगा. हाँ बाय. सनाया हमारी इमेज कंसल्टेंट, आप अभी तक मिली नहीं उन्हें? नहीं, आपके काफी क्लोज लगती है. वो तो है. अब हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हमारी हर चीज का ख्याल वही तो रखती है. That's nice. हम फ्रेशन अप होकर आते हैं. जी. मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मिलना है, उनके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स कराओ. जी मैम. मंडे विल बी ऑलराइट एंड टेल देम कि मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की सारी पीपीटीज चाहिए तुरंत. ओके. हेलो, मे आई? गेस व्हाट, यू ऑलरेडी इन. सो हाउ आर यू? ग्रेट बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. देखा, मैंने कहा था ना मेरे डिजाइन में कुछ तो बात है. Well, don't worry. मैं तुम्हारा नाम भी सजेस्ट करूंगा. After all, तुम भी deserving हो. Oh, thank you so much, Kevin. This is so obvious of you. अरे प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल गया, प्रमोशन भी मिल गया, अब तो ट्रीट बनती है. डिनर टुनाइट? I'm sorry, मुझे आज कुछ काम है. No worries, आज नहीं तो कल से ही. Actually, मेरा जाने का कहीं मन नहीं है. मैं अपने घर में, अपने ही जोन में खुश हूँ. ऐसा है तो मैं आ जाता हूँ ना तुम्हारे जोन में. What? I mean, तुम्हारे घर में. तो डन, कल रात मैं आ रहा हूं 8 बजे तुम्हारे घर. मैंने खुद अपने आप को इनवाइट कर लिया. इज इट ओके विद यू? ऑलराइट देन, इफ यू इंसिस्ट. परफेक्ट, बाय. मैम, कल आप सच में इसके साथ डिनर पे जाने वाली हो? Yes, yes, yes. Thank you so much. जी मैं अभी आपको लिंक सेंड कर देती हूँ. And please, please, please share. Okay, thank you. Bye.
पूरा 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 रात में रात में क्या हो गया यार? सुबह से कॉल पे कॉल, I mean ऐसा भी कुछ हो सकता है? I can't believe this. This was the last thing on my mind. Seriously, कमाल हो गया यार. पता है ये वीडियो मैंने कल रात अपलोड किया और आज सुबह तक इसे 80,000 से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. क्या दिखाओ? See? अरे न्यूज चैनल के कॉल्स आ रहे हैं, सब मुनिया के बाइट लेना चाहते हैं. इनफैक्ट बड़े बड़े एनजीओ भी कॉल कर रहे हैं जो जेन्युइनली महिलाओं और बच्चों की मदद करना चाहते हैं, जो गाजियाबाद ग्लास फैक्ट्री से उन्हें छुड़वा करके नया जीवन देना चाहते हैं. सीरियसली, इंटरनेट के इस पार के बारे में मुझे इतना तो नहीं मालूम था. इट्स मैजिक. थैंक्स टू सोशल मीडिया. अरे यहाँ तो खबर आग की तरह ऐसे फैलती है कि पूछो ही मत. और तुम्हें पता है, तुम ट्विटर पर ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड कर रही हो. क्या बात कर रहे हो? एक सेकेंड. #  आकांक्षा बैनर्जी झा, #  बुनिया, #  रेड स्पॉट, यहाँ तक कि कमेंट्स में डिबेट और डिस्कशंस तक शुरू हो चुके हैं. अरे फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सन, सब कोई हमारे काम की सराहना कर रहे हैं और गवर्नमेंट से पहल कर रहे हैं कि गाजियाबाद फैक्ट्री में से जल्द महिलाओं और बच्चों को छुड़ाया जाए. यानी कि हमारा जो मोटिव था कि ये वीडियो हायर अथॉरिटी तक पहुंचे, वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया है. यस, और अथॉरिटीज क्या, हर स्टेट में, दुनिया के कोने कोने में ये वीडियो देखी जा रही है. तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं हुई अक्कू, तुम जीत गई. मैं नहीं, हम जीत गए पूरब, हम. यू नो, कल तक हमारे पास सभी दरवाजे बंद थे और आज पूरी दुनिया हमें जानना चाहती है, हमारी काम की तारीफ करना चाहती है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करना चाहती है. इट्स अमेजिंग.